और भाई ने सिर्फ 10 दिन के लिए वीजा अप्लाई किया था और जनाब पुर्तगाल ने इनको वीजा दिया है पूरे एक महीने का दिया है। थैंक यू सो मच मीर भाई, आज आपने इंडियन पाकिस्तानी लोगों को, दुबई सऊदीया वाले लोगों को खुश कर दिया है, ये बहुत अच्छी गुड। और अगर आपने पुर्तगाल का वीजा लेना है तो ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसा सो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे साथ मीर भाई और इनका पुर्तगाल का वीजा लगा है और पुर्तगाल का वीजा बहुत ही कम लोगों का लगता ही नहीं है यार। ये जरा मीर भाई आप संभालें, मैं जरा लोगों को संभालता हूँ। और ये भी आप देख सकते हैं इस लिफाफे में आता है, ठीक है, आपका पुर्तगाल का वीजा वगैरह लग के। तो जनाब आज आपको बताने लगे हैं कि भाई का सऊदी अरब से वीजा लगा है और भाई इंडियन है, बेसिकली तो ये इंडियन है लेकिन इनका वीजा वगैरह जो लगा है वो सऊदीया से लगा है। और आपको एक एक चीज बताने लगे हैं कि इन्होंने अपना वीजा कैसे अप्लाई किया और कितने दिन में इनका वीजा लग गया, आपको एक एक चीज बताने लगे। अगर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। और एक और चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल पे भी बात करें यार, तो प्लीज आप थोड़ा इसी टाइम की वैल्यू रखा करें यार, क्योंकि मुझे सबको रिप्लाई देना होता है तो बाद में बेचारे लोग जो इंतजार कर रहे होते हैं उनको रिप्लाई देने में बहुत दुश्वारी होती है। यहाँ पे यूट्यूबर की फीस होती है, मेरी कोई फीस नहीं होती, तो बस आप लोग थोड़ा सा ना हयाल किया करो, बस ऐसे ही सपोर्ट भी किया करो साथ साथ। और जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज करते हैं हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी बताया करें, ताकि इससे मेरा टाइम थोड़ा बच जाता है। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीर भाई थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज आप लोगों को बहुत ही दमदार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हो, तो आप जरा लोगों को बताएं कि आपने ये कहाँ से स्टार्ट किया, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री, एक एक चीज, तो आपने ये कहाँ से स्टार्ट किया और कितने पैसे लगे आपके। सो हियर वी गो जी। सबसे पहले तो हम मलिक साहब के शुक्रगुजार हैं कि इनकी वीडियोस देख देख के हमें इंस्पिरेशन मिली है इसके लिए। फिर फाइनली जब हमने डिसाइड किया कि पुर्तगाल एक बार विजिट करने के लिए, फिर हमने सबसे पहले एम्बेसी की ऑनलाइन वेबसाइट पे गए, वहाँ जाके वहाँ चेक किया कि वहाँ के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। सही हो गया। जब हमने डॉक्यूमेंट्स देखे तो हमें पता लगा कि इतना मुश्किल भी नहीं था, जैसे कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स है पूरे, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जो आप अपने हाथों से भरते हैं, एक होता है पासपोर्ट की कॉपीज लगाना, एक होता है एम्प्लॉयमेंट लेटर जो हमारे सऊदीया में देते हैं अपने, इसको खिताब तारीफ कहते हैं इंग्लिश अरबिक में, वो कोई भी कंपनी स्टैम्प करके देती है कि ये बंदा हमारे पास है, काम कर रहा है, इसकी इतनी सैलरी है वगैरह वगैरह लिख के। मेन केन सिंपल में एनओसी लेटर, जहाँ पे भी आप काम करते हो सऊदीया, दुबई, कतर, ओमान में, क्योंकि सेम प्रोसेस है अरब कंट्री का, मिडल ईस्ट का सेम प्रोसेस है वीजा अप्लाई करने का। और ये भाई जर्मनी, फ्रांस का भी वीजा अप्लाई कर सकते थे लेकिन इन्होंने प्रेफर किया है पुर्तगाल को। आपका ये वीजा कितने दिनों में लग गया था, ग्रांट हो गया था? जी मेरा ये वीजा जिस दिन मैं सबमिट किया उसके सातवें दिन मुझे पासपोर्ट लग के आ गया था। क्या बात है। और अभी ये देखें पुर्तगाल में। और दूसरी बात, अपॉइंटमेंट वहाँ पे VFS में लेनी पड़ती है। आप अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करने के बाद जब चेकलिस्ट चेक करेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे वो जमा करेंगे, जमा करके सारी एक फाइल बनाएंगे, बना के जब आप VFS के ऑनलाइन पे जाएंगे तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगी दूसरे तीसरे दिन की अवेलेबल होती है। ठीक है। वहाँ पे 350 रियाल का तकरीबन फीस पेमेंट होता है जिसमें आपकी वो बायोमेट्रिक्स लेते हैं और फोटो लेते हैं। सही है। वो लेंगे, आपको एक स्लिप देंगे और सातवें दिन आपको बाय कोरियर पासपोर्ट आ जाएगा रिजल्ट के साथ, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो वो आपको रीजन देंगे कि क्यों नहीं दिए। सही है। और आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो कौन कौन से कंट्री की थी? मिडिल ईस्ट। हमारी ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादा नहीं, बस मिडिल ईस्ट की थी, जैसे कि बहरेन, कतर, दुबई, जॉर्डन, श्रीलंका, ऐसे ही थी। सही है। और भाई की थोड़ी सी स्टेटमेंट भी थी, बैंक स्टेटमेंट जिसको आप बोलते हो, वो भी थी। मतलब कि इनको जो सैलरी आती थी, इनका जो बॉस है, ठीक है, इनका जो ओनर है, मालिक है, तो जनाब वो इनको इनके बैंक अकाउंट में ही सैलरी वगैरह सेंड करता था। और अगर आप अपने बॉस को बोलते हो कि यार प्लीज मेरी सैलरी मुझे हाथ में नहीं बैंक में दो, तो इससे आपको वीजा लगने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपने पुर्तगाल का वीजा लेना है तो ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट लेटर, इसके अलावा थोड़े एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसा कि होटल रिजर्वेशन जो आप बुकिंग से लेके लगा सकते हैं। डमी डमी है, ठीक है, डोंट वरी। जी हाँ, सिर्फ कंफर्मेशन बगैर पेमेंट के। और होटल की आइटनरी लगा सकते हैं बगैर पेमेंट के, सिर्फ आइटनरी। वेरी गुड, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कवर लेटर भी मैंने लगाया है, अपना एक ट्रेवल प्लान भी लगाया, ठीक है। कवर लेटर की आप लोगों ने परेशानी नहीं लेनी, कवर लेटर मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अकामे की कॉपी जो आपका वैलिड अकामा है। और सऊदीया से एक डॉक्यूमेंट लगता है जरूरी, जिसे हम लोग कहते हैं खुरूज औदा,
यानी एग्जिट री एंट्री वीजा, वो डॉक्यूमेंट जो सऊदीया गवर्नमेंट हमें देती है जाके वापस आने के लिए वापस मुल्क में, वो 3 महीने का 2 महीने का लगता है, वो वीजा होता है, वो हमने लेके लगाना है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। क्या बात है। और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कवर लेटर हो गया, भाई ने पहले ही बता दिया, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप लगती है, वो हो गया, आपका इंडियन पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड होता है, COVID-19 का वैक्सीनेशन का एक सर्टिफिकेट होता है कोरोना का, वो भी आपने लगाना है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का प्लान आपने बताना है उनको, और जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है जहाँ जहाँ आपने विजिट किया हुआ है वो भी आपने साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान से हैं या कहीं या फिर किसी भी कंट्री से हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तुर्की की, ओमान की, श्रीलंका की, किसी के भी, वो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। और ये एडिशनल है, और सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ का एड्रेस भी आपको साथ लगाना है। तो जी शार से ये भी बता दें कि टोटल हमारा पुर्तगाल आने तक का खर्चा कितना हुआ है, जल्दी जल्दी। देखिए अगर शॉर्ट में देखा जाए, पूरी समरी में आपको बताऊं, तो टोटल खर्चा सिर्फ और सिर्फ VFS की एप्लीकेशन की फीस 350 रियाल, एग्जैक्टली 355 रियाल, बस उतना ही है। और जो आपकी फ्लाइट की टिकट है वो कितने की, 700-800 की मिल? हाँ जी, 700 से 800 रियाल की आराम से फ्लाइट टिकट, जैसे कि विज एयर, रयान एयर जो बजट एयरलाइंस है उसमें आराम से मिल जाती है। ये भी बता दे, जो लोग दुबई सऊदीया में काम करते हैं क्या वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ये वो इधर उधर, तो जरा गाइड करते हैं लोगों को। जी जी, टूरिस्ट वीजा के लिए इतना कोई रिक्वायरमेंट्स देखा नहीं जाता दुबई से हो या सऊदीया से, बस आपने जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स है ना वो प्रोवाइड करना है। सही है, क्या बात है। और भाई ने सिर्फ 10 दिन के लिए वीजा अप्लाई किया था और जनाब पुर्तगाल ने इनको वीजा दिया है पूरे 1 महीने का दिया, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जी मैं एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, मीर भाई पुर्तगाल में तो आ गए, ये सिर्फ इन्होंने पुर्तगाल का वीजा लिया है ताकि ये अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन कर सकें और अच्छा बना सकें। बाद में अभी ये वापस सऊदी अरब भी चले जाएंगे बाद में, क्योंकि सऊदी अरब में जाने के बाद ये कनाडा और USA का वीजा भी शायद अप्लाई करना चाहती हैं, तो इनको जरा आसानी हो जाएगी। और पुर्तगाल तो वीजा ही आपको पता ही नहीं देता, तो इन्होंने पुर्तगाल का वीजा ले लिया है, तो इस वजह से मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप पुर्तगाल का भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको कौन कौन से कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आजकल आपको लेतविया, लिथुआनिया, आपको डेनमार्क भी वीजा दे रहा है, नॉर्वे भी वीजा दे रहा है, जर्मनी, फ्रांस भी दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी रिजेक्शन होती है, लेकिन पुर्तगाल ज्यादा रिजेक्शन ही देता है। लेकिन भाई की किस्मत भी माशाल्लाह अच्छी है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपको मैंने नाम लिए हैं आप उन कंट्री का वीजा अप्लाई करें तो थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं। स्पेन का भी कर सकते हो, लेकिन स्पेन की आजकल रिजेक्शन तो आ ही रही है, लेकिन अपॉइंटमेंट्स का बहुत मसला है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे VFS में अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ के VFS में एक एडिशनल सर्विस है जो फाइल बनाने के लिए वो लोग लेते हैं, तकरीबन 150 रियाल चार्ज करते हैं, और वो आपकी फाइल पूरी कंप्लीट बना के देंगे, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके देंगे, और इस तरह करेंगे कि आप सिर्फ जाके सबमिट कर दें बस। क्या बात है, क्या बात है। और देखें भाई अभी पुर्तगाल में वेदर भी इंजॉय करेंगे, ऊपर से कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हो रहा है, तो जनाब इनके तो मजे ही मजे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच मीर भाई, आज आपने इंडियन पाकिस्तानी लोगों को, दुबई सऊदीया वाले लोगों को खुश कर दिया, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि आपका यार पुर्तगाल का वीजा लग गया। तो एनीवे आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, खुदा हाफिज़।